हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि है परमल। तो फ्रेंड्स, आज हम परमल बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने इनको क्या किया है, धो लिया है। अब इनको हम कट कर लेंगे, तो ये चीज़ें हम साइड से कट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कट करने के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इनको हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। सबसे पहले हम इनको कट करके रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसके छिलके निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इनके हम छिलके उतार लेंगे और इनको कट कर लेंगे। तो किसी भी शेप में हम कट कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर इसमें बीज ज़्यादा मोटे हैं, जैसे पक गए हैं, तो हम इन बीजों को निकाल देंगे और इसी तरह से हम सारे जो परमल है उनको कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने जो ये परमल है वो कट कर लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी सब्जी बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई में यह रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। हम इस सब्जी को रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे। जैसे ही हमारा यहाँ तेल गर्म होगा तो इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम हींग और थोड़ा सा जीरा। जैसे ही जीरा हमारा हल्का ब्राउन होगा, इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज को हमें हल्के ब्राउन होने तक भूनना है इसमें ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज यहाँ पे हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें टमाटर। फ्रेंड्स, हम टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे और आप इस तरह से सब्जी बना के ज़रूर देखिएगा, खाने में बहुत टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ टमाटर को गलने के लिए, जल्दी गलने के लिए हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जिससे टमाटर हमारे जल्दी से गल जाएं। और यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। अगर फ्रेंड आप इस तरह से ये सब्जी बनाएंगे तो ये सब्जी थोड़ी देर में ही बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए, टमाटर भी यहाँ पे हमारे गल चुके हैं। तो अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को भी इसमें हम 5 मिनट तक पकाएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमक हम यहाँ और डाल देंगे, क्योंकि पहले हमने थोड़ा नमक डाला था, तो थोड़ा सा इसमें और डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मसाले यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये परमल इसमें डाल देते हैं, इनको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हम ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं और सिंपल तरीके से भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सब्जी को ढक देंगे और 5 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं हमारी सब्जी हुई है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हम चेक कर लेते हैं, तो आप देखिए गल भी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर स्वादिष्ट सी परमल की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।